हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ लो सेक्स रेशियो इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। रीजंस ऑफ लो सेक्स रेशियो के अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सन प्रेफरेंस, पुत्र को प्राथमिकता देना। द जनरल आइडिया दैट बॉयज आर सुपीरियर टू गर्ल्स, हमारे यहाँ पर एक सामान्य सोच है कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से सुपीरियर होते हैं, उनसे आगे होते हैं, हर काम में गर्ल्स से स्मार्ट होते हैं। इस कारण दिस लीड्स टू मोर प्रेफरेंस टू द बॉय चाइल्ड देन द गर्ल। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक आम धारणा है कि पुत्र जो है वो होना चाहिए, अगर बेटियां हैं तो ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ जो बेटा है वो होना बहुत जरूरी है। नंबर सेकंड, रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास है, ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास है दैट एक्सरबेट द बिलीफ, ये इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि बॉयज लीड टू प्राइड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली लाइन एंड नेम, कि पुत्र होगा तो वंश चलेगा, वंश का नाम आगे बढ़ेगा, और अगर पुत्र है तो ये घर के लिए बहुत गौरव की बात है, शान की बात है। तो इस तरीके की सोच जो है वो हमारे यहाँ है ना। नंबर थर्ड, फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस इज ए मेजर काज ऑफ डेक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या जो है वो आज के दिन बहुत बड़ी समस्या है, और जो लो सेक्स रेशियो है अपने देश में, इसके पीछे भी एक ये बहुत बड़ा रीजन है। आजकल जो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि जन्म होने से पहले ही ये पता चल जाता है कि भाई जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, और इस कारण जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको बढ़ावा मिलता है। अगर फैमिली को ये लगता है कि हमें बेटी नहीं चाहिए तो वो उसको अबॉर्ड करवा देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है लो सेक्स रेशियो का हमारे देश में। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये बालिका हत्या है, जो कि प्राचीन काल से ही ये प्रथा चली आ रही है। हमारे समाज के बहुत सी ऐसी जातियां हैं जहां पर जो बालिका हत्या है वो एक आम धारणा है, एक आम प्रचलन में है कि बालिका को जन्म लेने के बाद जो है उसको मार दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लो सेक्स रेशियो का। लैक ऑफ एजुकेशन, से जो आपके शिक्षा की कमी के कारण जो है वो फैमिलीज इस चीज को नहीं समझ पाती हैं कि आज जो मॉडर्न जो टाइम है उसके अंदर चाहे बेटी हो चाहे बेटियां हैं, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हैं, दोनों समान हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेटी के पिता माता पिता हैं या फिर आप बेटे के माता पिता हैं। आजकल हर क्षेत्र में गर्ल्स जो हैं वो पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण जो है समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस महत्व को नहीं समझ पाता है कि बेटियों का महत्व क्या है। हमारे देश के अंदर लो सेक्स रेशियो जो है वो उसके अंदर वो बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, और इसी क्रम में एक जो स्कीम है जो कि कन्या भ्रूण हत्या और बच्चों की जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए चलाई जा रही है, और ये बहुत बड़ी योजना है जो कि लगभग पूरे देश में लागू है, और इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च्ड ऑन जनवरी 22, 2015 इन पानीपत हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 22 मार्च 2015 को पानीपत हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। हरियाणा में सबसे पहले इसे स्टार्ट करने का रीज़न ये था
कि हमारे देश में सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में ही है, 877 फीमेल्स ऑन पर 1,000 मेल्स। इस योजना का उद्देश्य टू जनरेट अवेयरनेस एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज फॉर द गर्ल चाइल्ड। इस योजना का उद्देश्य लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, और इसके अलावा जो गर्ल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी जो कमी है उसको दूर करना। द इनिशियल एम ऑफ द कैंपेन वॉज टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसका जो मुख्य है, जो इसका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो तो यही है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करना, जो गिरता हुआ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। इसके साथ साथ बट हैज कम टू इंडल्ग जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमेशंस प्रोपेगेटिंग एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसके साथ साथ इसका जो काम है वो ये भी है कि जो जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशंस हैं कि हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमें गर्ल चाइल्ड चाहिए या फिर बॉय चाइल्ड चाहिए, जो इस सिलेक्शन को खत्म करना। इसके अलावा प्रोपेगेटिंग एजुकेशन, गर्ल्स को जो है वो अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उसके लिए स्कीम स्टार्ट करना, और प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी सुरक्षा करना। इन दिस स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट्स वॉज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज, और जो फर्स्ट फेज पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया था उसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया था पूरे देश के। इस स्कीम का जो सेकेंड फेज है वो सेकेंड फेज 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था झुंझुनू राजस्थान से, क्योंकि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है, इसी कारण इसका जो सेकेंड फेज है वो 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था राजस्थान झुंझुनू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।